Hi students across India, आप लोग का CA final November 2018 का paper अभी वो खत्म हुआ है. Based upon the request that I got from the students, बस एक analysis में present कर रहा हूँ कि questions कहाँ कहाँ से थे, future के अंदर questions कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, इस attempt के अंदर questions tough थे या मुश्किल थे, apart from that कौन से questions easy थे, along with that ये वाले questions हमारी book के अंदर वो किधर थे. So I'm just trying to present like you know कि November 2018 का आपका जो costing का paper था वो कैसा था. Hope सब लोग के papers अच्छे ही गए. Papers this time were relatively quite easy in fact as compared to जो आपका May 2018 का जो new course का paper था. IC ने बहुत सारी चीजें जो लोग पूछ सकते थे शायद वो पूछा नहीं, especially in the last part जहाँ पे performance evaluations आता है. So let's try to start off with this. First आपका जो paper था I will say it was slightly between moderate paper and a easy paper. It was nothing of a very tough kind of a question. कोई भी ऐसा question वो नहीं था जो शायद आप लोगों ने वो पहले नहीं किया था. Most of the questions we all had done in class. Apart from that, एक costing है ना जो usual problem वो होता है कि आपका जो answer paper है complete नहीं होता. Honestly इस बार I don't think so वो problem किसी को तो आया रहेगा क्योंकि questions जो थे बहुत छोटे थे लेकिन still number of marks जो थे वो बहुत ज़्यादा थे. Okay, I don't think so कि ICA ऐसे question papers future के अंदर भी लाएगा. I think the question papers in future are going to be quite tough. Let's be prepared for it. आप लोगों ने जो class के ना काम किया था that was way too high as compared to जो आपका question paper था. Okay. So question paper ने बहुत सारी चीजें cover up भी वो नहीं किया जो शायद institute को पूछना चाहिए था, जैसे जो आपकी new techniques हैं like balance score card हो गया या फिर performance prism हो गया. All those things were not covered. जो TPM है शायद TPM इसलिए नहीं वो किया क्योंकि वो last attempt के अंदर वो पूछ चुके थे. But still there were many things that actually ICA has not asked. What they all asked was actually slightly of a lesser quality. But good luck to those people who had given the exams. Okay, for the future just be prepared for slightly tougher exams please. Okay, so paper not a very tough paper. Second, अभी हर एक जो क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर वो हमारी बुक के अंदर वो किधर था, जस्ट एज अ रेफरेंस जिन लोगों के एग्जाम अभी तक वो बाकी हैं दे कैन डू इट फॉर देयर प्रैक्टिस. तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर वन था वो केस स्टडी क्वेश्चन था. लाइक आई हैड टोल्ड इन क्लास ऑल्सो आपका क्वेश्चन नंबर वन केस स्टडी क्वेश्चन ही आएगा ऑफ 20 मार्क्स. ओके, सो इट वॉज ऑन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जहाँ पे आप लोगों को सिचुएशंस दिया गया था. आप लोगों को चार प्रोडक्ट्स का जो अलग अलग स्टेजेस के अंदर हैं वो वाला डेटा तो वो दिया हुआ था और आपको क्लासिफाई करने का था कि हर स्टेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हर स्टेज के अंदर आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा. ओके, सो बेसिकली वो एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ही था. ऑनेस्टली बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा टाइम फिर भी वो लगेगा टू कम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर थिंग क्योंकि वहां पे 12 पॉइंट्स थे जिसको आपको क्लासिफाई करना था. ओके, क्वेश्चन नंबर वन जो इंस्टीट्यूट ने वो पूछा भी था एक्चुअली वॉज नथिंग दैट टफ इफ यू हैव रीड द थियरी इन अ प्रॉपर वे. तो आप लोगों को वो वाला चीज मेरे ख्याल से स्ट्राइक हो गया रहेगा. जिन लोगों ने आंसर्स लिखे उन लोगों को मेरे हिसाब से वहां पर क्या कर लेना चाहिए था, उन लोगों को सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज अलग कर देना चाहिए था, स्ट्रैटेजीज अलग कर देना चाहिए था और फिर उसको क्लासिफाई कर देना चाहिए था इनटू द 4 स्टेजेस. इन एनी केस ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है मैं वेबसाइट के ऊपर भी डाल रहा हूँ, यू कैन सी ऑन द लिंक बिलो. आप लोगों को वहां पे जो क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा जिन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर वो नहीं है. वो था आपका क्वेश्चन नंबर वन एज सच. ओके, अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर वन था यू कैन चेक इट अप ओवर हियर, वो आपके चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन था जो मैंने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के लिए वो दिया था, प्लस हमारी थियरी बुक के अंदर वो चैप्टर नंबर 28 था क्वेश्चन नंबर 15. एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट इंस्टीट्यूट ने वही वाला चीज वो पूछ लिया था, बस आपको कैटेगराइज करना था और कुछ नहीं. अभी क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू आपका जो था बेटा वो डिसीजन मेकिंग का था. नाउ एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट अपनी बुक के अंदर है विद डिफरेंट नंबर्स. ओके, वहां पे वो टारगेट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन था, हमारा आंसर उस क्वेश्चन का कुछ 1.75 था. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने यहां पर भी तो वो पूछ ही लिया. तो उसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था उस क्वेश्चन का वो 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन था, जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट था वो 14 मार्क्स के लिए था.
Honestly, I still think 14 marks are very high as compared to such kind of a question, जिसको solve करने के लिए 2 या 3 minutes से ज़्यादा नहीं चाहता. उसके बाद institute ने कुछ theoretical portion भी पूछ लिया कि अगर worker hours कम करते हैं, उन चीज़ों के लिए आपके concerns क्या हो सकते हैं? Obviously, अगर worker लोग hours कम करेंगे, might deteriorate the quality of the product. आगे सामने ये भी पूछ लिया कि what can be the remedial measures? Remedial measures कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आप quality checks बिठाओ और workers को बोलो कि अगर आप लोग product बराबर नहीं बनाओगे, if the quality of the product will not be जो पहले होता था, आप लोग को bonus नहीं देंगे, तो आप वैसी remedies वगैरह बोल सकते थे. Now, ये था आपका question number 2. वहाँ पे एक चीज उन लोगों ने और पूछ लिया था जो अपनी theory book के अंदर एक question था, that was question number 7 and question number 13, वो chapter number 28 के अंदर था कि target costing कौन सी companies को apply होता है. Exactly word to word आपको बस वही चीज वो लिखना था. Okay, ये हो गया आपका question number 2. फिर आपका question number 3 जो था, like I had told in exams, during the lectures also, आपको activity based costing around 12 से लेके 15 mark का वो पूछेंगे. इस बार 20 marks के लिए था. And exactly a question जो हम लोगों ने भी वो किया था, to wholesale customers, to retail customers, exactly a question of that particular type. बस उन लोगों ने क्या एक चीज वो फर्क किया, instead of directly giving you the selling price, उन लोगों ने तुमको list price दे दिया और discount वो दे दिया. List price और discount को subtract करोगे तो तुम लोगों को net selling price मिल जाएगा. Rest everything was same. उन लोगों ने suggestions भी वैसे ही मांगा जैसे हमारी book के अंदर था. वो हमारी textbook का question number 11 था, वो textbook का chapter number 11 था, question number 23 था. Apart from that, chapter number 26, question number 16 के अंदर ये चीज का theory भी था. ये जो theory था, इन लोगों ने पूछा था on customer profitability analysis. उसका मतलब क्या है? कि in this case, आपके पास बहुत type of customers होंगे, आप उनका अलग-अलग profits निकालते हो. ये चीज का significance क्या-क्या हो सकता है? तो I told you in one of the other chapters also, banks भी ये वाला काम करता है, वो लोग categorize करता है customers को into imperial category, into preferred category, into a normal customer. तो आपको ये चीज़ पता चल जाता है कि आपके लिए कौन से customers important हैं, आप उन लोगों को ज़्यादा services वगैरह provide कर सकते हो. तो वो था आपका question number 3 as such. Okay, so this was your question number 3. वो activity based costing के ऊपर था. अभी question number 4 जो था, that I can free in, see in front over here. ये बहुत ही simple question था. ऐसे questions हम लोगों ने बहुत सारे तो वो किए रहेंगे. शायद exactly word by word question you might not have done, लेकिन जैसे ही you will be seeing that particular question, तुमको सब कुछ मेरे ख्याल से strike तो हो ही जाएगा. वहाँ पे factory overheads था, जिसको categorize करना था into fixed and variable. फिर उसके बाद आप total contribution निकाल के ये चीज़ वो बता दो that which is better for you as such. वो make or buy decision वाला था. अगर आप बनाते हो तो आपका cost वो ज़्यादा आता है. सॉरी, अगर आप परचेज करते हो आपका जो कॉस्ट है तो वो ज़्यादा आता है. अगर आप बनाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आप फिक्स कॉस्ट निकाल दोगे तो कॉस्ट कम हो जाता है. तो इन एंड आपको वही चीज़ वो कंक्लूड करना था. ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए था. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B एक्चुअली वॉज अ ओनली थियोरेटिकल क्वेश्चन. आपका बजटरी कंट्रोल के अंदर एक कंसेप्ट था कॉल्ड एज बियॉन्ड बजटिंग, उसके ऊपर दैट एंटायर क्वेश्चन वाज देयर. वहां पे कुछ प्रैक्टिकल पार्ट नहीं था, आपको बस बियॉन्ड बजटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, आपको उसी के बारे में थोड़ी सी चीजें वो पूछी गई थी. मैं जो आपको क्वेश्चन नंबर्स दे रहा हूँ, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके 12th एडिशन के हिसाब से है. अगर आप 14th एडिशन यूज कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर्स वगैरह कुछ अलग होंगे. ओके, क्योंकि बुक्स वर चेंज स्लाइटली. तो ये जो है 12th एडिशन, तो अपनी बुक का प्लीज एडिशन नंबर देखिएगा, उसके हिसाब से आई रिटन ऑल द थिंग्स. ठीक है, आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो रेलेवेंट कॉस्टिंग का था. और ऑनेस्टली जिस लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं, ये उसके पास भी नहीं आया. इनफैक्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 या 3 क्वेश्चंस के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया था, ये उसी के अंदर से था. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एनी अदर क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव डन एक्चुअली. इनफैक्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन के बहुत बड़े बड़े किए, ये हर एक क्वेश्चन का छोटा छोटा पार्ट था जो हम लोग कर लेते थे. इसलिए मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस वो नहीं दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर ऑल दीज थिंग्स वर कवर्ड अप. ठीक है, आगे
Question number 5B was of standard costing. Now, this question, I am still waiting for the institute to tell me the answer because mere khayal se, based upon the assumption, yahan pe do answers aa sakte hain. We will just wait and watch for the institute's answer to be coming also. In the next video, whenever I will be releasing, I can say those particular two answers. But just one small thing. Wahan pe kai students logo ko confusion hua ki what was this figure? This figure matlab yahan pe ek cheez tha. वो फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स का हम लोगों ने कंबाइंड समो किया हुआ था जहां पे हम लोग वेरिएबल ओवरहेड के वैरियंसेस अलग से निकाल नहीं सकते थे फिक्स्ड ओवरहेड्स के वैरियंसेस अलग से नहीं निकाल सकते थे हम लोगों ने कंबाइन करके आंसर निकाले थे शायद याद होगा नाउ उस क्वेश्चन का ये वाला उल्टा वर्जन था उन लोगों ने कंबाइंड वैरियंसेस दिए और आपको कुछ डेटा निकालने के लिए वो बोला मैक्सिमम बच्चे लोगों को यहां पर एक जो कंफ्यूजन हुआ वो ये वाला कंफ्यूजन था कि ना ये वाला चीज का मतलब क्या है क्लोजिंग बैलेंस इन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट आप लोगों ने आईपीसीसी के अंदर इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स किया हुआ है बॉस बैलेंस इन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट मतलब कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के डेबिट साइड में द बैलेंसिंग फिगर विल बी नथिंग बट द अमाउंट दैट यू हैव इनकर्ड तो वो जो 18 लाख का अमाउंट था जो लोग क्वेश्चन पेपर वो देख रहे हैं दैट वॉज नथिंग बट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स और एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स वो कर पाते तो मेरे ख्याल से द क्वेश्चन एज सच वॉज क्वाइट सिंपल ये था क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 इंटरनल प्राइसिंग का था अ वेरी इजी क्वेश्चन एज कंपेयर टू द क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव डन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B जो था वो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का था अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आप लोग वो पढ़ोगे उसका आंसर तुम लोग को मिल जाएगा ये था तुम्हारा ब्रेकअप कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर जो था वो कैसा था तो टोटली 6 क्वेश्चन से आपको 5 करने थे बट फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कंपल्सरी हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का था ओके तो दिस थिंग हैज बीन ऑल डन अभी नेक्स्ट पर वो चलता हूं सुनो आपका जो पार्ट 3 है दिस इज चार्ट शोइंग ब्रेकअप टॉपिक वाइज मैंने बेसिकली क्या किया कुछ ऐसा आपका 100 मार्क्स के अंदर से पेपर कितने कितने परसेंट का आया फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक जैसे वैसे आपका पेपर 120 मार्क्स का था उसका ब्रेकअप आई हैव गिवन यू अबव इन द प्रीवियस स्लाइड तो यहां पर बस एक चार्ट बना के हर एक जो तुम्हारा टॉपिक था वो कितने मार्क्स के लिए आया तो स्टिल द मेन चंक ओवर हियर वॉज सीवीपी एनालिसिस जो यहां पर 30 मार्क्स के लिए आया 30 मार्क्स आउट ऑफ 120 तो दैट केम टू एज 24% सबसे ज्यादा तुम्हारा ये वाला पार्ट आया ओवर हियर ये वाला पार्ट ओके फिर उसके बाद जो रेलेवेंट कॉस्टिंग था वो यहां पर आया बट नॉट ऑफ मच मार्क्स वो 10 मार्क्स के लिए आया दैट वॉज 8% एक्चुअली इंटरनल प्राइसिंग जो था सॉरी जो इंटरनल प्राइसिंग था इन दिस केस वो 10 मार्क्स के लिए आया ऑनेस्टली वी आर एक्सपेक्टिंग इट फॉर हायर नंबर ऑफ मार्क्स सो 10 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट 8% लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ज्यादा मार्क्स के लिए आया क्योंकि उसके ऊपर केस स्टडी आ गया सो दैट वॉज इंपॉर्टेंट एक्चुअली वो 20 मार्क्स के लिए आया दैट वॉज 17% स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 10 मार्क्स के लिए आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग 20 मार्क्स के लिए आया बजटरी कंट्रोल का वो जो थियरी वाला क्वेश्चन था वो 10 मार्क्स के लिए आया और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो था वो 10 मार्क्स के लिए आया नाउ बेस्ड अपॉन दिस तुमको एक दो चीजें बोल सकता हूं जो शायद फ्यूचर अटेम्प्ट्स के अंदर होगा ICA शुड पे मोर वेटेज आई थिंक टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दैट इज वन थिंग शायद इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट दे विल पे अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड ऑल्सो ट्राई टू गिव सम मोर इंपॉर्टेंस टू कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर एंड एस्पेशली अपने लास्ट 5 चैप्टर्स ओके जो सारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जस्ट इन टाइम TPM बैलेंस स्कोर कार्ड नाउ ऑल दीज चैप्टर्स फिर काइज़न कॉस्टिंग फिर पारेटो एनालिसिस आई थिंक दीज टॉपिक्स विल बी वेरी वाइटल इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट उसके में से बहुत मार्क्स का वो आना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है दिस वॉज योर पार्ट 3 वेयर बाय आई टू जस्ट टेल यू कि हर टॉपिक का वेटेज क्या था तो इनफैक्ट कई टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ने इस बार शायद पूछे नहीं एक्सटर्नल प्राइसिंग नहीं पूछा लर्निंग कर्व का कोई एप्लीकेशन नहीं पूछा है अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट नहीं पूछा डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पूछा डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी तो बल्कि न्यू कंसेप्ट था उन लोगों को पूछ लेना चाहिए था दोस गाइस हैव नॉट आस्क्ड ओके माइट बी इन द फ्यूचर अटेम्प्ट्स इट विल बी कमिंग एज सच ओके एंड लास्टली सेक्शन वाइज वेटेज ये चीज मैंने क्लास के अंदर भी बोला था इंस्टीट्यूट ने क्या किया है पूरे
पोर्शन को आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, वो पूरे पोर्शन को लोगों ने थ्री कैटेगरीज के अंदर वो बांटा हुआ है, सेक्शन वन, सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री. नाउ सेक्शन वन यहाँ पे जरा देखिए, इंस्टीट्यूट के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो 35-40% का पूछा जाना चाहिए था, और इंस्टीट्यूट ने ये वाला सेक्शन जो है 40 मार्क्स आउट ऑफ 120 मार्क्स के लिए पूछा. सो ऑलमोस्ट उन लोगों ने वही किया जो उन लोगों ने बोला था. सेक्शन टू, सेक्शन टू के ना बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आता है, आपकी बुक के अंदर लिस्ट है. आईसीए बोलता था कि 35-40% के हिसाब से आएगा, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आउट ऑफ 120 मार्क्स 60 मार्क्स फॉर वॉज दिस पर्टिकुलर सेक्शन टू एज सच. ओके, जो भी टॉपिक्स इस सेक्शन के अंदर है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्शन थ्री जो था वो केस स्टडी वाला, इंस्टीट्यूट ने बोला था 20-30% आएगा, और वो 20 मार्क्स के लिए तो आ गया आउट ऑफ 120. ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट वट एवर द इंस्टीट्यूट हैड टोल्ड. गाइज जस्ट वन स्मॉल थिंग, तुम्हारा कॉस्टिंग का पेपर मई 18 और नवंबर 18 के अंदर ज़्यादा मुश्किल वो नहीं थे, बट बी प्रिपेयर्ड, जैसे जैसे अटेम्प्ट्स होते रहते हैं क्वेश्चंस कीप ऑन बिकमिंग स्लाइटली बेटर. हम लोग जो कर रहे हैं क्लास के अंदर, जो आप लोगों ने मेरे साथ कॉस्टिंग के अंदर किया, दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉस्टिंग. बट एलॉन्ग विद दैट वन अदर थिंग ऑल्सो, जो मैंने आपको तब भी बोला था जब आप लोग क्लासरूम के अंदर थे, इज दैट वो लोग थियरी अलग से नहीं पूछेंगे न्यू कोर्स के अंदर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नो. ओके, वट दोज गाइज विल बी डूइंग एज सच, वो लोग आपको क्वेश्चंस के अंदर ही थियरी वो पूछ लेंगे इन सम अदर वे. कोई क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद उसके ना कोई कंसेप्ट अप्लाई हुआ से टारगेट कॉस्टिंग का, सो देन टारगेट कॉस्टिंग किधर अप्लाई होता है, दे कैन आस्क यू दैट. तो इसलिए थियरी रट के मत जाइएगा, इट विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ओके, यू शुड जस्ट ट्राई टू हैव ओवरव्यू ऑफ द थियरी. ओके, इंश्योर दैट यू हैव दैट, एंड इंश्योर दैट यू रीड इट टू और थ्री टाइम्स, दैट इज मोर देन इनफ. ओके, ये ओल्ड कोर्स जैसा चीजें नहीं है, ये न्यू कोर्स है जहां पे इंस्टीट्यूट वही चीजें वो कर रहा है जो फॉरेन एग्जाम्स के अंदर भी होता है. ठीक है, तो स्पेशली जो थियोरेटिकल पार्ट है, इफ आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल काइंड ऑफ एग्जाम्पल, अगर सपोज 120 मार्क्स का पेपर था, इन दिस केस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मैंने कल एक लिस्ट बनाया था, उन लोगों ने 120 मार्क्स के अंदर से 28 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली वो थीरी रखा था, 28 मार्क्स, लेकिन दिए 28 मार्क्स कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं थे, उन लोगों ने हर क्वेश्चन के अंदर छोटा 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 थियोरेटिकल पार्ट भी बता दिया. तो आप लोग ना कुछ थियरी छोड़ के नहीं जा सकते हो बॉस, हर क्वेश्चन के अंदर किधर ना किधर थियोरेटिकल पार्ट था, और बाकी जो 92 मार्क्स था वॉज फुल प्रैक्टिकल. सो आई विल स्टिल से प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, बट थियरी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आपको वो वाला चीज करना ही चाहिए. ओके, थैंक यू गाइज, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. We'll be uploading more videos also for FR also. We might be making a video of the paper, because most of the paper again was from our books. Study well, all the best. These are professional exams. Sab kuch karke jaiye, papers mushkil to nahi aa rahe. Okay, all the best guys. Thank you.